हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम करेंगे 3 डिजिट इनटू 1 डिजिट के डिविजन सम्स। लास्ट टाइम हमने देखा था 2 डिजिट इनटू 1 डिजिट का डिविजन सम। आई होप वो आपको समझ में अच्छे से आया है। तो फिर 3 डिजिट और 1 डिजिट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, कुछ सम करते हैं। फर्स्ट, आपको पता है डिविजन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आंसर ये सेंटर पॉइंट पे आता है। फर्स्ट हम क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। 210 210, ये हमारा क्वेश्चन है। डिवाइड करना है हमें 2 के साथ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एल्स आपको करना है सिंगल पॉइंट से। 2 1 2 हम कर सकते हैं 1, ये 2 हो गया माइनस। अब 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 1 2, तो आंसर हो जाएगा 0। दैट मीन्स हमें यहाँ पे कंसिडर करना है 0, करेक्ट। ये पॉइंट हो गया हमारा 0 का। अब कितना बचा हमारे पास, 1 0 10। 2 के टेबल में 10 तो आता ही है, तो हम कर लेंगे 5। अब आपको 0 का गैप छोड़ के 5 करना है और यहाँ पे 10 माइनस कर देना है। दैट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा 1 0 5। आंसर हमें मिला है 1 0 5। आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। अगर आप देखते हैं 2 1 2, आप 1 करके 2 माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 0 10 को कंसिडर करते हैं, तो आप 2 5 10 डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, आपको 0 5 ही लेना होगा। तो आप कैसे करेंगे, 1 0 माइनस कर दिया, यहाँ पे 0 5 कंसिडर किया, तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा और एल्स आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जब आप 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो आंसर भी 2 डिजिट में लेना जरूरी है। उससे बेहतर है आप सिंगल सिंगल डिजिट लीजिए, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। इनिशियल स्टेज पे आपको ऐसे ही करना होगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। और एक सम करते हैं, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 861 861, ये है हमारा क्वेश्चन। डिवाइड बाय 7, अगेन सिंगल डिजिट लेंगे। 7 1 7 1, यहाँ पे 7 को हम माइनस कर देंगे। अब हमें करना है क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है, 1 6 1 1 6 1 1 6 16 को हम देख सकते हैं। 1 6 16 में क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 2, 7 2 14। फॉर्मूला लगा देंगे, +1 -5। 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, +1 -5। अब रिमाइंडर हमारे पास बचा है 2 1 21। अब 7 के टेबल में 21 आता है, तो हम करेंगे 7 3 21, रिमाइंडर 0 हो गया और आंसर क्या मिला, 1 2 3 1 23। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 546 546 546, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें डिवाइड करना है 5 से। फर्स्ट हम देखेंगे सिंगल डिजिट, 5 1 5, सो 5 1 5, ये हो गया क्लियर। अब हमारे पास बचा है 4 6 46। अब हम या तो डायरेक्ट देख सकते हैं 46 9 5 45, तो अगेन हमें लेना होगा 0 9, करेक्ट, बिकॉज हम 2 डिजिट को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 9, करेक्ट, 45, सो 4 5, इसे हम माइनस कर देंगे, आंसर मिलेगा 1 0 9, रिमाइंडर हो गया 1, आंसर हो गया 1 0 9। आई होप ये 0 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। और एक क्वेश्चन करेंगे, 327 डिवाइड बाय 4, 327 डिवाइड बाय 4, 2 डिजिट को एक साथ लेंगे तो 4 8 32 हम कर सकते हैं। आंसर में करेंगे 8, यहाँ पे हम 32 को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास बचा है सिर्फ 7 4 2 8 हो जाएगा, तो हम करेंगे 4 1 4, करेक्ट, 4 1 4। अब इसमें से 4 हमें माइनस कर देना है,
फोर के लिए हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस फाइव, दैट मीन्स हमारे पास बचा रिमाइंडर थ्री। अगर आप पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं तो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 81 पॉइंट आप आगे आंसर लिख सकते हैं, और एल्स इतना आपका सफिशियंट हो जाएगा। अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट कंसिडर करना है और यहाँ पे जीरो ऐड कर देना है, सो 30 34 7 28। अगेन 28 के लिए आपको यहाँ से 2 माइनस कर देना है, यहाँ पे 8, अब यहाँ पे 8 अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 10 माइनस, दैट मीन्स रिमाइंडर हो गया आपका 2, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 7। अब आपके पास बचा है 20 24 5 20, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट में आंसर 81.75। मैं यहाँ पे वापस से लिख रही हूँ 81.75, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपका रिमाइंडर हो जाता है जीरो। पॉइंट आपने कहाँ किया है ये आपको याद रखना जरूरी है। आई होप 3 × 1 डिजिट के भी डिविजन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वर्कशीट को प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट को शुरू से वीडियो देख के समझिए, ताकि डाउट क्लियर हो जाए आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।